17,000 रुपये इसका प्राइस रहने वाला है, 217,000 रुपये इसका प्राइस रहने वाला है। तो गिरे तो गन मेटल गिरे में आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स देखने को ही मिलेंगे और विंडशील्ड आपको नहीं मिलती है, ना ही बैकलैश देखने को मिलता है। मैं आपको बता रहा, अगर सुपरनोवा की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग रूट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे, आपको 217,000 रुपये में एक्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ओके हेलो एवरीवन, दिस इज मियर्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुपरनोवा ब्लू एंड गन मेटल ग्रे का। जी हाँ, दोनों मॉडल्स आपको अलॉय व्हील्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ की आपको दोनों ही मॉडल्स का प्राइस भी सेम देखने को मिलता है। तो हम ये जानेंगे कि दोनों मॉडल से कौन सा मॉडल बेस्ट है एंड दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं एंड कौन सा हमें लेना चाहिए, किस में आपको कंफर्टेबल राइड ज्यादा मिलती है। तो करते वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। ओके सो फ्रेंड्स, बोथ बाइक्स आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा संजय कुमार जी का, जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सुपरनोवा ब्लू एंड गन मेटल ग्रे के ऊपर एक वीडियो लेकर के आए। तो उनके कहने पर मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो करते वीडियो स्टार्ट। ओके, तो फ्रंट से दिखने में दोनों गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगती हैं। एंड बात करते हैं हेडलाइट की, तो दोनों बाइक्स में आपको हेलोजन देखने को मिलता है, बट आपको मिटियोर में एक LED DRL देखने को मिलता है, सर्कल में आपको LED DRL देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बट सीरियसली दूर से देखने में दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। बात करते हैं सोकर्स से, तो दोनों बाइक्स में आपको डिफरेंट सोकर्स देखने को मिलते हैं। क्लासिक में आपको बल्कि सोकर्स देखने को मिलते हैं, इससे आपको डस्ट से हेल्प मिल जाती है, डस्ट नहीं जाती है सोकर्स के अंदर। वहीं आपको मिट्योर में आपको लाइट सोकर्स देखने को मिलता है, जिससे डस्ट जाने का डर रहता है एंड जिससे आपकी जो सोकर की लीकेज होती है वो टूट सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के टायर्स की, तो दोनों बाइक्स में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है, बट एग्जैक्टली इसमें आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपको रेडियम कट के साथ अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो डायमंड कट के साथ आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं फ्रंट टायर की, तो आपको फ्रंट टायर आपको 19 इंचेस का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, वहीं आपको रियर टायर 17 इंचेस का देखने को मिलता है। बात करते हैं डिस्क ब्रेक की, तो आपको 300mm का डिस्क फ्रंट देखने को मिलता है एंड 270mm का डिस्क ब्रेक आपको रियर देखने को मिलता है। सेम एज इट इज आपको क्लासिक में भी आपको 300mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट देखने को मिलता है एंड 270mm का डिस्क ब्रेक रियर देखने को मिलता है। बट आपको इसमें जो रियर टायर है आपको 18 इंचेस का रियर टायर देखने को मिलता है और जो फ्रंट टायर है आपको 19 इंचेस का फ्रंट टायर देखने को मिलता है। ओके, तो बात करते हैं हम इसके कर्व वेट की, तो दोनों बाइक का राउंडली सेम कर्व वेट होने वाला है, 195 kg क्लासिक का कर्व वेट होने वाला है, 195 kg आपको सुपरनोवा ब्लू का होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टैंक की, तो आपको सीरियसली ये जो आपको इसमें नॉर्मली 3D बैजिंग देखने को मिलती है विद टैंक पैड, वहीं अगर हम बात करते हैं सुपरनोवा ब्लू की, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ग्लोश कर रहा है कलर एंड आपको इसमें एक क्रोम कलर की बैजिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और आपको डुअल टोन कलर के साथ ये बाइक देखने को मिलती है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर की शेड देखने को मिल रही है एंड ग्रे कलर का एक आपको प्यारी सी लाइनिंग देखने को मिल रही है। बट एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसमें आपको जो इंजन है वो ब्लैक कलर को देखने को मिलता है विद क्रोम शेड्स के साथ, आप देख सकते हो क्रोम शेड्स का आपको इंजन देखने को मिलता है। बट उसी के साथ आपको जो ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट आपको नॉर्मली क्रोम कलर के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको जो टैंक है, टैंक एग्जैक्टली पूरा ग्रे कलर में है। उसके बाद जो आप इंजन का सेटअप देख रहे हो, इंजन पूरा आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं पूरा आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। बट एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं इसमें आपको राइडिंग पोस्चर कैसा मिलता है, तो राइडिंग पोस्चर आपको इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड राइडिंग पोस्चर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो सिंगल सीट के साथ ये बाइक अभी एग्जैक्टली खड़ी हुई है, लो राइडिंग सीट इस पर इनबिल्ट की हुई है, आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट बात करते हैं सुपरनोवा ब्लू की, तो इसमें आपको डाउनवर्ड पोस्चर देखने को मिलता है, अप से डाउन जाता है एंड फिर सीधा स्ट्रेट हो जाता है। इसमें आपको एग्जैक्टली जो एसेसरीज बिल्ड की हुई हैं, आपको फ्रंट में आपको विंडशील्ड देखने को मिलती है, आप देख सकते हो विंडशील्ड इसमें लगा हुआ है। उसके बाद आपको बैक में बैकलैश देखने को मिलता है जो कि आपको गन मेटल ग्रे में देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दोनों बाइक के प्राइस की, तो एग्जैक्टली 217,000 रुपये एक्सशोरूम दोनों बाइक्स का प्राइस होने वाला है। अब काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट होगा कि यार सीरियसली कौन सा हम परचेज करें, क्योंकि जो दोनों बाइक्स का जो प्राइस है एग्जैक्टली सेम है। बात करते हैं दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एग्जैक्टली 175mm का ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक का होने वाला है। एंड अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है मिट्योर में कि आपको जो इंस्ट्रूमेंटल क्लचर है वो आपको एक थोड़ा सा सही देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल क्लचर है आपको गियर शो होता है। मैं आपको दिखाया था, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ वेट। ओके,
ओके, तो आप देख सकते हो गियर का आपको शो होता है, फ्यूल मीटर का आपको शो होता है, किलोमीटर का शो होता है, ट्रिप वगैरह शो होता है। यहाँ पे आपको नेविगेशन फिटेड भी करवा सकते हैं। एग्जैक्टली आपको इसमें किल स्विच देखने को मिलता है, क्यूब किल स्विच देखने को मिलता है, इधर आपका लो बीम हाई बीम हो जाता है एंड इंडिकेटर्स हो जाते हैं, ये आपका हजार लैम्प का हो जाता है। एंड जो मैं आपको बता रहा था DRL का, वो एक्चुअल में जो DRL होता है वो आप देख सकते हो, ये राउंड कलर की जो रिंग होती है वो DRL होती है बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, तो अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं आपको वही क्लासिक का दिखाना चाहूँ तो क्लासिक में कुछ आपको सिंपल कंसोल देखने को मिलता है। इसमें आपको ये शो नहीं हुआ कि किस गियर पर बाइक एक्चुअल में चल रही है। यहाँ पर आपको ट्रिप देखने को मिलेगी, आप यहाँ से ट्रिप चेंज कर सकते हो, इको एंड आप ओडोमीटर देख सकते हो। नॉर्मली आपको एक ओल्ड जनरेशन का आपको कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप नेविगेशन फिटेड करा सकते हैं, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो दैट्स वाई अभी कोई आपके पास कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं क्या सीरियसली आपको कौन सा कलर लेना चाहिए, तो देखो अकॉर्डिंग टू मी 217,000 रुपये में देखो सुपर नोवा ब्लू काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बिकॉज देखो ये जो बाइक है ये थोड़ा आपको दबंग लुक देती है, एग्जैक्टली सिटी में भी काफ़ी अच्छी लगती है एंड लोग इसे लॉन्ग राइड्स भी मारते हैं। बट एग्जैक्टली अगर सुपर नोवा की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग रूट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज इस बाइक को क्रूज के बिहाफ पे ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस बाइक का जो मेन पर्पस है वो लॉन्ग राइड्स है एंड कंफर्टेबल राइड आपको ज़्यादा मिल जाती है। बात करते हैं दोनों बाइक्स के एवरेज एंड माइलेज की, तो सीरियसली कंपनी क्लेम करती है 40 से 45 का आपको क्लासिक में एवरेज देखने को मिलता है, वहीं 40 से 45 का आपको मीटियोर में देखने को मिलता है। बट एग्जैक्टली इतना एवरेज होता नहीं है। एग्जैक्टली अगर कस्टमर रिव्यू बताऊं तो मैं आपको राउंडली 30 to 35 दोनों का आपको एवरेज देखने को मिलता है। वो बाकी फिर डिपेंड करता है आपके राइडिंग पोस्चर पे कि आपका राइडिंग पोस्चर कितना रहने वाला है। तो देखो गाड़ी दोनों काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी में कमी है। बट एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोबारा से कि आपको 217,000 रुपये में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें आपको जो आप अलॉय व्हील्स देख रहे हैं आपको डायमंड कट के साथ अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, विंडशील्ड आपको देखने को मिल जाती है, बैकरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप जो ये मिरर्स देख रहे हैं ये आपको क्रोम कलर में मिरर्स देखने को मिलता है। बट एग्जैक्टली वहीं पर अगर हम बात करते हैं गन मेटल ग्रे की, तो गन मेटल ग्रे में आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स देखने को ही मिलेंगे और विंडशील्ड आपको नहीं मिलती है, ना ही बैकरेस्ट देखने को मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से आपकी बाइक होने वाली है। ये वाली सीट आपको दी जाएगी बैकरेस्ट में, सॉरी ये वाली सीट दी जाएगी एंड जो मिरर्स आप देख रहे हैं ये वाले मिरर्स ना होकर के जस्ट पीछे वाले जो आप मिरर्स देख रहे हैं ब्लैक कलर के, वो आपको मिरर्स दिए जाएंगे। तो दोनों गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, बट डिपेंड करता है आप कौन सा लुक वियर करना चाह रहे हैं, आप दबंग दिखना चाह रहे हैं या फिर आप ऑफिशियली क्रूजर दिखना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह अच्छी है, बट प्राइस को जस्टिफाई करने वाली बात करते हैं तो 217,000 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है, 217,000 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी यार देखो गाड़ी दोनों सच में अच्छी हैं, बट क्रूज के भी आप उस पर जा सकते हो। नॉर्मल लुक चाहिए तो आप ये नॉर्मल लुक ले सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मेरा वोट तो सुपरनोवा ब्लू को होने वाला है, बिकॉज ज़्यादा एडिशनल फीचर आपको इसमें देखने को मिलता है। अलॉय व्हील्स ले सकते हो आप, विंडशील्ड ले सकते हो, बैकरेस्ट ले सकते हो सपोर्ट के लिए, इसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इसमें आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। एंड अगेन बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो इसमें आपको मैट कलर देखने को मिलता है जिसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, आपको रबिंग करना होता है, इसके अलग से पॉलिश सर्विस आती है। इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें आपको ग्लॉस कलर देखने को मिलता है, ग्लॉस कलर में एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है, नॉर्मल कपड़े से आप इसको साफ कर सकते हो, अगर कोई स्क्रैच भी आता है तो इतना आपको स्क्रैच दिखेगा नहीं इस बाइक पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ना भूले। सो मिलेंगे फिर एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।